नमस्कार, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी देश या समाज का अपमान करना नहीं। वीडियो में दिखाई गई और बताई गई बातें हम नहीं, साक्षात गूगल माता कहती हैं। तो वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें। धन्यवाद। क्या इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकता है? इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट इन इंडिया? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों? हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रदीप रौनियार एंड यू आर वाचिंग द प्रदीप रौनियार यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकता है, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले आपको मैं बॉयकॉट का मतलब बता दूं। किसी भी चीज को बॉयकॉट करने का मतलब है उसे त्यागना, उसका बहिष्कार करना, उसे बैन करना। और हाँ दोस्तों, जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये मैं नहीं, खुद गूगल माता बोलती हैं। सो दोस्तों, अपने अपने भावनाओं से पर्दा हटाओ और चलो कुछ रियल डाटा और फैक्ट्स को देखते हैं। बट एक मिनट रुको यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीवन में कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, साइड के नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस .com, चाइनाज टोटल अमाउंट ऑफ अ करेंट एंड प्लान इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज क्रॉस्ड ओवर $26 बिलियन, जो कि हो जाता है लगभग 1,98,000 करोड़। सो दोस्तों, अगर दूसरी ओर इंडिया को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट डेटा, 2018 तक इंडियन कंपनीज ने चाइना में सिर्फ $1.09 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर दोनों कंट्रीज का डिफरेंसेस देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, अगर स्मार्टफोन की मार्केट देखी जाए तो पूरे इंडिया में 73.6% मार्केट पे सिर्फ चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स ने कब्जा किया हुआ है। और हो भी क्यों ना, जिस प्राइस पॉइंट में चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन्स फीचर्स देते हैं उस प्राइस पॉइंट में इंडियन ब्रांड के स्मार्टफोन्स कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लो। दोस्तों, अगर अंडर 10,000 रुपीज की कैटेगरी में चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन को देखा जाए तो आपको फीचर्स में 5000 mAh की बैटरी, 16W टाइप सी चार्जर, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 12+2 AI रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, 8MP सेल्फी कैमरा, 4GB रैम और 64GB रोम मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर अंडर 10,000 रुपीज की कैटेगरी में इंडियन ब्रांड स्मार्टफोन में सिर्फ 2900 mAh की बैटरी, 5.2 इंच HD डिस्प्ले, 8MP रियर कैमरा और 8+2 MP ड्यूअल फ्रंट कैमरा, 2GB रैम और 16GB रोम आपको मिलेगा। तो आप ही सोचिए, अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाए तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेंगे? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ, हम इंडियन ब्रांड का ही स्मार्टफोन लेंगे, भले ही थोड़ा महंगा ही है तो क्या हुआ। पर शायद दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हर किसी के पास सेम बजट नहीं होता। जिसके पास लिमिटेड बजट हो उसको तो कम से कम पैसे में बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए। सो दोस्तों, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू livemint.com इंडिया चाइना से एक साल में लगभग 467 बिलियन रुपीज का इंपोर्ट करता है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया सिर्फ चाइना को $7.70 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाता है। तो बाकी सब डेटा बताने चलूँ तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर चलो शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। इंडिया चाइना से एक साल में लगभग $1.4 बिलियन का सिर्फ टॉयज खरीदता है, जो कि इंडिया के टॉयज मार्केट का लगभग 85% है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया का 70% मेडिसिन का खपत चाइना पूरा करता है। तो वहीं इंडियन मार्केट का 26% ऑटो कंपोनेंट चाइना से आता है। 42-45 स्मार्ट टेलीविजन मार्केट पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। 10-12% होम अप्लायंसेस पे चाइना ने कब्जा किया है। 90% शेयर्स इन सोलर पावर मार्केट, 18-20% शेयर ऑफ स्टील मार्केट एंड मेनी मोर। और कितना बताओ यार, पर रुको रुको, एक बात तो कहना भूल ही गया,
हमारी देश की कई बेटियों का फेवरेट ऐप टिकटॉक। अरे हाँ हाँ वही, वो भी तो चाइनीज ऐप है, उसे कब बॉयकट करोगे? शायद आप लोगों में से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं कि पूरी दुनिया में टिकटॉक पे सबसे ज्यादा वीडियोस इंडिया में ही बनते हैं। तो प्रदीप भैया, आज से टिकटॉक पे मुजरा करना बंद। मुझे पता है यार, कुछ सच्चाइयाँ कड़वी होती है, तो अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए माफी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को दिल से नहीं दिमाग से ले। तो ये थी कुछ रियल डाटा और डिटेल्स जो मैंने आपके बताए। और आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकट कर सकता है? हमें आप कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करके पहुंचाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर ले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।